नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। सामाजिक संस्था सरस व जल शक्ति विभाग पांवटा साहिब के संयुक्त तत्वावधान में बीबीजीत कौर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सार्वजनिक जल संरक्षण जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ जल शक्ति विभाग पांवटा साहिब के अधिशासी अभियंता अरशद रहमान ने किया। सरस संस्था ने मई व जून महीने में पांवटा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थानों व पंचायतों में सार्वजनिक जल संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा बीबीजीत कौर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें जल शक्ति विभाग पांवटा साहिब के अधिशासी अभियंता अरशद रहमान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचे स्कूल प्रबंधन व संस्था के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र तरुण, प्रीति चौहान सहित नीलम ठाकुर ने छात्रों को जल संरक्षण विषय पर जानकारी दी। विद्यालय की तरफ से विद्यार्थियों के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। साथ में अलग अलग हाउस की छात्राओं ने अपने विचार प्रकट किए। स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी छात्र छात्राओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता अरशद रहमान ने जल संरक्षण के साथ साथ जल बढ़ाओ विषय पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही जल शक्ति विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके ड्रेन के पानी को जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसमें डालो। क्या होगा उससे? अंडरग्राउंड वाटर टेबल जेएसपी में आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे बोल बैग होते हैं जो हम पड़े हैं जो किसी काम के लिए। हमने क्या किया, उनके दर्द बेटा होता है उसमें हो चुकी है, और जो पानी बरसात का पानी है उसको डाइवर्ट करते हैं उसमें। अब जब क्या होगा, बारिश आएगी वो ग्राउंड नहीं चल सकेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हमने उसको जल को बढ़ाना भी बढ़ाने के लिए आप जो कार्यक्रम चेक डैम्स इस गर्मा विद्या का प्रोग्राम आ गया, चेक डैम्स बना रहे हैं, छोटी छोटी नदियों के बीच में चेक डैम्स बना रहे हैं, जिससे जो सरफेस वाटर है वो लोड ना हो। तो ये चीज़ गाँव में भी कर सकते हैं। अभी आपने शायद पढ़ा होगा।